एक अप्रैल से शुरू हो रहे साल के लिए बजट आ चुका है। टैक्स पेयर्स को सरकार ने कुछ राहत तो दी है, लेकिन कुछ चीजों को महंगा करने का भी इंतजाम कर दिया है। कॉर्पोरेट्स को भी एक हाथ से दिया तो जरूर है, लेकिन दूसरे हाथ से ले भी लिया है। हर सेक्टर को उम्मीद के मुताबिक तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ मांगे जरूर पूरी हुई है। बजट में हुए इन तमाम फेरबदल से आपके निवेश, आपके टैक्स और आपके पर्सनल फाइनेंस पर भी असर पड़ा है, जिसे लेकर आपके मन में कई सवाल भी हैं। हम आज आपके ऐसे ही सवालों के जवाब दे रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ हैं अपने अपने क्षेत्र के चार बड़े जानकार, और शेयरों पर आपकी मुश्किलें सुलझाने के लिए हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के दलजीत सिंह कोहली, और बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट राजेश जैन भी। वही टैक्स संबंधी दिक्कतें हल करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया, और आपकी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी मुश्किलें हल करने के लिए हमारे साथ हैं फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर की सुमित वैद्य। और अगर आपके मन में भी शेयर, टैक्स या फिर पर्सनल फाइनेंस को लेकर कोई भी सवाल है, तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-209-7890 पर कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई और भोपाल से लोग अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं चंडीगढ़, जहां हमारे संवाददाता ज्योति कमल के साथ कुछ लोग हैं। ज्योति, गुड मॉर्निंग। चंडीगढ़ के लोगों के मन में क्या सवाल है बजट के बाद? बजट में कुछ दिया है तो कुछ लिया है, उसी को लेते हुए कई सारी कंफ्यूजन है, कई सारे सवाल हैं। जी आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मैं सर प्रताप, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मेरी 80,000 पे है, तो इसमें मेरा टैक्स कंपोनेंट क्या बनता है? ऑलराइट, सुभाष जी, इस बजट के हिसाब से जो पहले बनता था वही है भैया, कोई बदलाव नहीं, केवल कुल मिला के टोटल टैक्स में से साल भर के 2,000 रुपए बचत होगी, और इसके अलावा कोई भी बदलाव नहीं है। ऑलराइट, तो जी बेसिकली, हाँ जी पूछिए सवाल। जी बेसिकली कोई भी बदलाव नहीं है जहां तक। जी जी आपका सवाल जो सर सीमेंट सेक्टर को लेके था। हाँ जी, मैं ये पूछना है, मेरे पास एसी सीमेंट के स्टॉक्स हैं, तो आगे उसका क्या फ्यूचर प्लान आगे? इनके पास एसीसी सीमेंट के स्टॉक हैं, ये जानना चाहते हैं कि इस बजट के बाद सीमेंट सेक्टर का क्या आउटलुक है। ओके, चलिए दलजीत, क्या लगता है सीमेंट सेक्टर कैसा लग रहा है यहाँ से, क्योंकि अब उसके भी दाम कीमतें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, कुछ इम्पैक्ट दिखेगा? जी हाँ, बजट का डायरेक्ट इम्पैक्ट देखें तो सीमेंट क्षेत्र को आई थिंक सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लगभग डबल हो गई है। जो पहले 185 पर टन था वो अभी 380 पर टन हो गया, और ACC जैसे बड़े दिग्गजों को इसका नुकसान होगा। लगभग हमारे अनुमान से करीब 10 रुपये पर बैग तक का इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन क्योंकि ये इस समय सीमेंट क्षेत्र एकदम ओवर सप्लाई के दौर से गुजर रहा है, तो वहाँ पर कंपनीज के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, तो वो अपने प्राइसेस पास ऑन नहीं कर सकते। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि कंपनी के मुनाफे पर उसका असर पड़ेगा। तो इन कंपनीज पे, ACC और बाकी सभी कंपनियों पे सीमेंट के क्षेत्र में थोड़ा नुकसान आ सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसा ACC पूरे पैन इंडिया में अवेलेबल है, तो कहीं पर प्राइस बार्गेनिंग है, कहीं पर प्राइस पावर नहीं है, तो वो नेट ऑफ इम्पैक्ट करके शायद 10 रुपये का नुकसान नहीं होगा, 2-3 रुपये का नुकसान होगा। इसलिए ACC में बने रहने की अभी तो सलाह देंगे। आप टारगेट किस तरह के देख रहे हैं, कितना होल्ड करना होगा? देखिए करीबन अगर एक साल के व्यू से लेंगे तो करीब 1100 के आसपास का टारगेट बनता है। ओके, क्लियरली आपको यहाँ पर कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है, लंबा नजरिया रखना होगा, साल भर रुकेंगे, 1100 रुपए आपके पोर्टफोलियो में सीधा जाएंगे। चलिए हम एक सवाल लेते हैं जो हमें सचिन खेतरपाल पूछना चाहते हैं, लुधियाना से उन्होंने ये सवाल हमसे पूछा है। सचिन जी गुड मॉर्निंग, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी मैम, मेरे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा के 50 शेयर्स हैं, 667.50 के हिसाब से। ओके, एक्चुअली ये होल्ड करना सही रहेगा? होल्ड कर सकता हूँ नियर अबाउट 1 ईयर तक इसको। आपका रुझान कितना लंबा है? तकरीबन 1 साल तक तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। साल भर। दलजीत, M&M हमने देखा है ऑटो क्षेत्र के जो बिक्री के आंकड़े बहुत बेहतरीन आए हैं, M&M ने भी अपने जो आंकड़े जारी किए हैं अच्छे रहे हैं, साल भर ये रखना चाहते हैं 667 के पास इन्होंने खरीदारी कर रखी है, साल भर में कैसा टारगेट देख सकते हैं? मेरे ख्याल से साल भर का हमारा टारगेट 800 के आसपास है,
और ये एक अच्छा स्टॉक है, इनफैक्ट हमारी टॉप पिक में है, ऑटो सेक्टर की टॉप पिक में है, क्योंकि इसको जो बेनिफिट दोनों तरफ से मिलता है, अर्बनाइजेशन का बेनिफिट भी मिलता है और इसको एग्रीकल्चर बेनिफिट भी मिलता है। तो जो एक एग्री प्ले का एक ये प्रॉक्सी प्ले है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी तो ट्रैक्टर्स को ग्रोथ मिलेगी, इस तरह जो डिस्पोजेबल इनकम, अभी लखोटिया साहब ने बात की 2000 रुपये पड़ेंगे, बट एक फार्मर के लिए 2000 अगर बढ़ेंगे तो शायद बहुत कुछ होगा। वैसे फार्मर पैसा देता ही नहीं है, टैक्स देता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ थोड़ा बहुत कहीं पर भी मिलता है उसको भी फायदा है। तो आई थिंक ये एक अच्छा प्रॉक्सी प्ले है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा बीइंग अ होल्डिंग कंपनी, ये लगभग सभी फील्ड में, तो इनफैक्ट हम इसको देखते हैं कि ये एक तरीके का आपका होल्डिंग कंपनी की तरह डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। एक ही स्टॉक में आपको 8-6 चीजें एक साथ मिल रही हैं, तो इसको एक ऑटो क्षेत्र में सबसे अच्छा स्टॉक माना गया। और टारगेट आप क्या देख रहे हैं? 800 के ऊपर के, 800 के ऊपर के। चलिए सचिन जी, आपको बहुत बेहतरीन यहाँ पर मुनाफा होने वाला है साल भर, क्योंकि आप रुक रहे हैं, आपको करंट लेवल से तकरीबन यहाँ पर 140-160 रुपए का मुनाफा होगा, 800 रुपए आपका टारगेट है। चलिए अब रुख करते हैं लखनऊ का, जहाँ हमारे संवाददाता मुकेश अलग के साथ कुछ लोग जमा है। मुकेश जी गुड मॉर्निंग, लखनऊ के लोगों के मन में क्या सवाल है बजट के बाद? अभी हमारे साथ इस समय हैं सुनील दुबे जी हैं, और इनको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ जानकारी करनी है नए बजट से, तो मैं इन्हीं से सवाल कराता हूँ। बोलिए सवाल। मेरी आय 40,000 रुपए प्रतिमाह है, इस बजट के माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि क्या मेरी आमदनी पर क्या असर आगे आने वाले टाइम पे पड़ने वाला है? आपकी आमदनी पर क्या असर पड़ेगा? आप कुछ अभी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं क्या सुनील जी? कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं क्या? जी मैं म्यूचुअल फंड में और शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता हूँ। ऑल राइट सुमित, 40,000 की आमदनी है, बजट के बाद हम बहुत ज्यादा पर्सनल फाइनेंस के फंड पर हम बदलाव नहीं देख रहे हैं, आमदनी पर क्या असर पड़ेगा? और जिनका इन्वेस्टमेंट अभी पैटर्न है म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, कुछ बदलाव करने की जरूरत है क्या वहां पर उनको? मैं सुनील जी से एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि उम्र क्या है इनकी? मुकेश जी जरा सुनील जी की उम्र पूछ के बताइए हमें। इनकी उम्र है 58 इयर्स। हाँ, अब प्रश्न जरा चेंज हो जाता है कि 58 की उम्र पे अगर हम देखें, सुनील जी अपने रिटायरमेंट के आधार पर हैं, और रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट में काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट है, जो एक 65 ईयर्स की एज पहले हुआ करती थी सीनियर सिटीजन को डिफाइन करने के लिए, वो अब कम होकर 60 साल हो गई है। तो अगले 2 साल में अगर ये नए टैक्स ब्रेक का बेनिफिट लें तो इनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी बढ़ जाएगी। उस डिस्पोजेबल इनकम की अगर आर्टिकुलेशन करके वो सेविंग्स की तरफ करें तो काफ़ी ठीक रहेगा उनके लिए। इस उम्र में अमूमन हम ये एडवाइस करते हैं कि इक्विटी की तरफ ज़्यादा रुझाव मत रखिए, बिकॉज आपकी एज ज़्यादा है, आपने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो उनको एडवाइस यही रहेगा कि एसेट एलोकेशन कीजिए जिसमें इक्विटी में कॉम्पोनेंट हो, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम और गोल्ड के साथ तीनों को मिक्स करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए और इस टैक्स का जो आपको ब्रेक मिल रहा है उसका बेनिफिट लीजिए। All right. लखोटिया जी आप भी कुछ यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे? मैं तो क्या करूँ, मेरी बात से तो हमारे दर्शक दुखी होंगे, खुश नहीं होंगे, पर बोलना तो सच ही पड़ेगा ना। आखिर भैया हमारे साथी ने आपको कहा कि टैक्स ब्रेक का लाभ लाभ लाभ, पर अभी आपको कोई भी लाभ 1 रुपए का भी नहीं होगा सीनियर सिटीजन का, क्योंकि आपने बतलाई आपकी उम्र 58 के लिए महिला को तो रेलवे में बेनिफिट मिला, किंतु आयकर कानून में 60 इयर्स कंप्लीट होंगे तब जाके 9,000 रुपए की टैक्स बचत है इस वर्ष के बजट से। तो आपको कम से कम 2 साल इंतजार करना पड़ेगा, 2 साल तो देते रहो टैक्स और केवल इस वर्ष 2,000 रुपए टोटल इनकम टैक्स बचेगा, पर कुल मिलाकर जेब आपने 2 रख रखी है फिर भी नेट फायदा नहीं होने वाला। एक जेब में आ जाएगा 2,000 रुपए और दूसरी जेब में से निकल जाएगा पेट्रोल का अतिरिक्त खर्चा और निकल जाएगा खर्चा आपका सर्विस टैक्स आदि का। ऑलराइट, तो सुनील जी आपकी आमदनी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अभी, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है थोड़ा उसमें बदलाव करने की जरूरत है, इक्विटी की तरफ रुझान थोड़ा कम कीजिए और डेट इंस्ट्रूमेंट्स है वहाँ थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ध्यान रखिए अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर कीजिए, इक्विटी थोड़ा कम कीजिए और डेप्थ थोड़ा ज़्यादा, इस बात को हमेशा ध्यान में लेके चलिए। वक्त का एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम और सवाल लेंगे और उसके जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।